तो यहाँ पे देखो चाय ले लिया मैंने अपने लिए, और यहाँ पे हस्बैंड के लिए ले दे दिया। यहाँ पे मैंने सब्जी निकाल लिया तो बनाऊँगी, और ये अभी बनाना है। यहाँ पे मैंने चावल बैठा दिया तो अभी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही सब्जी काटूँगी। सीताफल इसकी आधा दूँगी, पूरा नहीं दूँगी, बस इतना सा दूँगी इसका, बाकी का रख दूँगी। इस तरह से एक मिक्स सब्जी बना लूँगी। अभी आलू डाल दिया चावल में तो इसको फटाफट काट लूँ, और ये करेला तो ये डाल दूँगी चावल में, तो जिसको बंगाली में बोलते हैं उच्चे आलू सिद्ध, बीच में से मैंने इसको फाड़ दिया, तो अब मैं एक और फाड़ दी, तो ऐसे चार वो कर दी, तो अब मैं इसको डाल दूँगी। तो मैंने देखो ये सारी सब्जी धो भी लिया है, तो धो के उसके बाद मैं काट लेती हूँ फटाफट। तो ये देखो लगभग है तिरंगा का एक कलर बन गया है आज, ये देखो तिरंगा का कलर वाइट है, ग्रीन है। तो अभी मैं सब्जी काट रही हूँ, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा देखना उसके बाद ही कमेंट करना, क्योंकि आप मेरा पिछला जो वीडियो गया उसमें कुछ था कि मुझे 3 बार डिलीट करना पड़ा, पर सब लोगों ने देखा बोला अच्छा है अच्छा है, तो उसके बाद मैं समझी कि ये मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर देखते तो मेरा गलती को सुधार सकते थे। तो जो मेरा क्लोज है वही सब ने मुझे गलत का रिप्लाई दिया, फिर मैंने वीडियो को डिलीट करा, फिर देखा कि नहीं मेरा वीडियो जितना सब बोल रहे हैं कोई नहीं देख रहा है। तो प्लीज़ मैं सबका वीडियो देखती हूँ उसके बाद कमेंट करती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो देख के उसके बाद ही कमेंट करना, क्योंकि वीडियो को अगर आप लोग थोड़ा सा नहीं देखोगे तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूँगी, अगर मैं आपका नहीं देखती हूँ तो आप भी नहीं आगे बढ़ोगे। ऐसे अगर एक दूसरे का हाथ या सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, आप मैं यूट्यूब में बहुत जने नहीं हैं, तो अगर एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को जो भी अच्छा बुरा नहीं देखेंगे तो कैसे होगा सबको। इसीलिए वीडियो को मेरा नहीं, मैं भी सबका देखने का कोशिश करती हूँ, और आप सब भी आपस में जिसका भी देखते हो प्लीज़ सबका देखने का कोशिश करना, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। तो चलो मैं सब्जी फटाफट काट लेती हूँ, खाना बनाना है, और मैं तो मुझे इस तरह से 3 बार डिलीट करना पड़ता वीडियो को, मैं कभी सब कभी कभी इतने दिन से कभी नहीं हुआ था मेरे साथ उस दिन जितना मुझे 3 बार डिलीट करना पड़ा था। तो देखो सब्जी मैंने काट लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब मैं इसको धो के फिर इसमें डाल दूँगी और फटाफट सब्जी बना लूँगी, और मिक्स सब्जी बनाऊँगी, और मैं तो खाऊँगी नहीं फिर भी बनाना तो है ही, तो एक टमाटर भी उसमें काट लूँगी, तो टमाटर काट के उसमें डाल दूँगी, हरी मिर्ची भी डाल दूँगी, सब डाल के एकदम झटपट वाले मिक्स सब्जी बना लूँगी एकदम झटपट। तो तेल गरम हो गया है और उसमें डाल दूँगी मैं 5 फोरन बोलते हैं ये डाल दूँगी सब है इसमें, जीरा है, सौंफ है, सरसों है, कलौंजी है, मेथी है, सब है, और ये सब डाल के उसके बाद मैं सब्जी को फटाक से डाल दूँगी सारा जो भी था, तो ये डाल के उसके बाद मैं बनाऊँगी थोड़ा सा मटर पनीर, पर बाद में बनाऊंगी। तो ये थोड़ा सा मटर पनीर बनाऊंगी, पनीर ही बनाऊंगी, उसमें आलू वालू कुछ नहीं, आलू भी नहीं डालना है, टमाटर भी नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। तो ये सब करके उसके बाद मुझे कहीं जाना भी है, तो
फटाफट बना लेती हूँ। और पनीर की सब्ज़ी, सिंपल पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, ग्रेवी वाले पनीर बोल सकते हो, वही बनाऊँगी थोड़ी सी बेटी के लिए, क्योंकि बेटी तो ये खाएंगे खाएगी ही नहीं बिल्कुल भी। तो बेटी का स्कूल जाना मतलब है, तो ये मेरा मॉर्निंग का था, तो मैंने इसीलिए नहीं दिखाई थी, आपके साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि मॉर्निंग का वीडियो सोचा मैंने अलग, मॉर्निंग का इवनिंग का अलग दूंगी, और स्कूल का पार्ट दिया था मैंने अलग। तो इस ये सब मेरा मॉर्निंग का था। और सब्जी देखो बन के रेडी हो गई, और इस सब्जी में ज़्यादा कुछ मसाला खास लगता नहीं है, खाली नमक हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला दे दो, चाहे कुछ भी दे दो। ये सब्जी चाहे रोटी के साथ खाओ आप, जैसे रोटी के साथ खा सकते हो, जैसे एक एक दो दो करके हमारे घर पे सब्ज़ी बच जाता है तो उसको क्या करे क्या करे, तो ऐसे मिक्स सब्जी आप बना सकते हो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और अभी देखो आज 15 अगस्त के दिन दोबारा साड़ी पहन लिया, दूसरा तैयारी हो गई, तो एक पार्ट जाएगा आज और एक पार्ट जाएगा कल। तो अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा सा मामा के घर, जो मामी आती है काली पूजा में, उनके घर जा रही हूँ, थोड़ा सा उनके घर से मिल के आती हूँ, उनके घर गई नहीं बहुत दिन हो गया, तो आज बुला रहे तो जा रही हूँ। तो चलो आप लोगों को भी साथ ले जाऊँगी, तो चलना, तो चलो जाते हैं। तो ये देखो घर से निकल गई हूँ, और अभी हेलमेट नहीं लगाया इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा देती हूँ फेस, क्योंकि हेलमेट लगाने के बाद मेरा मन नहीं करता है बिल्कुल भी, तो हेलमेट लगाना है तो फटाफट हेलमेट लगा लेती हूँ, उसके बाद और नहीं दिखाऊंगी। और देखो इतना घने हो गया है, ऐसे लग रहा है बारिश अभी होगी, पर हम क्या बताएं कि बारिश होगी नहीं होगी नहीं, ऐसे समझ ही नहीं पाई कि होगी। और इतनी आवाज़, मैंने तो सारा वॉइस काट दिया, नहीं तो आवाज़ अगर सुनते तो यकीन करते कितनी तेज़ आवाज़। हमने कहा चलो पहुँच ही जाएंगे पहुँच ही जाएंगे, पर जितनी हम आगे जा रहे थे एक एक छीटा बूंद बूंद बारिश मिल रही थी, तो हमने कहा कि चलो इतना तो चलता ही है, कोई बात नहीं एक एक छोटा बूंद में, बट नहीं, इतनी तेज़ बारिश हुई एकदम झटके से, हमें झटके से ही रोकना पड़ा। तो मैं, हमारी स्कूटी तो यहाँ पे है, ननद का आगे चले गए तो हम तो यहाँ पे खड़े हैं, तो फिर बारिश थम गई, फिर हम निकल गए। और यहाँ पे सारे मंदिर ही मंदिर बना हुआ है, और देखो बादल, आय हाय, ये बादल को प्लेन से देखने का मज़ा ही अलग आ जाता है, और बाहर से तो अलग ही आ रहा है। तो बस इधर देखो सारे झंडे झंडे, तो ये ग्रेटर नोएडा पड़ता है, ग्रेटर नोएडा बोलते हैं इसको, तो ये ग्रेटर नोएडा के साइड तो आ गई हूँ। और ये देखो ननद की गाड़ी जा रही है, ये हमारी जा रही है, और दूर हमारे घर से ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलो मैंने कहा कि चलते हैं। अभी हम लोग तो आ गए, सब जा रहे हैं, बारिश में भीग भीग के आए हैं, और बारिश में भीग के फिर सूख के आए, हमारा तो रास्ते में पोपट ही बन गया बिल्कुल। तो चलो चलते हैं अब। यह है मामी की घर, मामी का किचन, तो देखो इसको पहचानते हो, देखो इनका 12 तारीख को था एनिवर्सरी, तो आज बुलाए, आज जो भी खाना नहीं है तो आज कैसे हाल कर रहा है इसका मैं। तो यहाँ पे लगा रखा है मामी ने पेड़, और अच्छा अच्छा पेड़ लगा रखा है घिया का साग के, और नीचे उनका चारों तरफ का माहौल भी अच्छा है, और नीचे हो रहा है उनका प्रोग्राम। और इनका हाँ फ्लोर है 11, तो 11 से थोड़ा सही दिख ही रहा है, और नीचे हो रहा है प्रोग्राम, तो बहुत अभी शाम ही है तो अभी अंधेरा हुआ नहीं, तो इसलिए अभी इतना लोग भी नहीं आए, और रात को तो बहुत लोग आए थे। और अभी यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो रात के टाइम में कितना अच्छा लाइट जल रहा है, और प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और मुझे, मैं तो वही बेलकोनी में खड़े खड़े सबका प्रोग्राम डांस देख रही थी शाम, मतलब जब तक नहीं आई थी, तो इसीलिए मैंने और कोई वीडियो भी नहीं बनाया किसी के साथ,
क्योंकि ना मुझे इतना अच्छा लग रहे थे प्रोग्राम देखने में, तो मैंने कहा कि जितना हो सकते थे उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। तो क्योंकि तो जितना चारों तरफ की नज़ारा है आपके साथ दिखाना दिखा पाई हूँ उतना ही दिखाई हूँ जितना मैं देख पाई हूँ। तो अभी जा रही हूँ घर, और घर के मतलब रात के टाइम है, अभी बज रहे होंगे 8 और हम लोग 8:30 बजे तक पहुँच जाएंगे घर। तो घर आ गई हूँ, घर आके देखो दूध गर्म बैठा दिया, चावल बैठा दिया, ये सब तो खाएंगे। और यहाँ पे सुबह का थोड़ा सा है, और सुबह की सब्जी भी है, सुबह का पनीर की सब्जी भी है, तो ये सब तो है। तो इस ब्लॉग को यही एंड कर देती हूँ, और मामी के घर घूम के आई हूँ, मामा के घर घूम के आई हूँ, सबसे मिल के आई हूँ, अच्छा लगा, काफ़ी दिन बाद गई थी, और वो सोसाइटी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे पूछा जाए कि कौन सा सोसाइटी कहाँ अच्छा लगता है, मुझे वो जगह बहुत अच्छा लगता है। भगवान जानता है कब मेरे बात सुनेंगे, कब क्या होगा, भगवान के ऊपर छोड़ दिया और आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। तो चलो इस ब्लॉग को यही एंड कर देती हूँ, फिर मिलूँगी नया ब्लॉग के साथ। आप लोग अच्छे रहना, खुश रहना, हंसते रहना, स्माइल करते रहना। टाटा बाय बाय।